स्टार्ट होता है एक कैफे से जहाँ पर टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर जिनसू नाम का एक आदमी जो कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रुथ का लीडर है, उन लोगों को समझा रहा था कि कैसे काफी अरसे से कुछ अजीब सी चीज जो कि एक एंजल है लोगों को एक फ्यूचर प्रिडिक्शन देती है, जो कि प्रिडिक्शन थी उनकी डेथ की, और उसी टाइम और डेट पर कुछ अजीब से डीमंस आते हैं और उस इंसान को मार देते हैं। इसी सब के दौरान उस कैफे में एक आदमी बैठा था जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर रहा था, और जैसे ही 1:20 होते हैं, तीन डीमंस वहां पर आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये आदमी वहां से भागकर बाहर निकलता है, पर वो तीन डीमन उसका पीछा करते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, और थोड़ी ही देर बाद वो तीनों डीमंस गायब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक डिटेक्टिव को जो कि अपने दोस्त के साथ क्राइम सीन पर आता है। सारे ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। अब साथ ही एक सेमिनार चल रहा था जहाँ पे जिनसू लोगों को बता रहा था कि ये सारा गॉड एक्ट है, और वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बुरा किया है, जैसे कि कोई मर्डर किया हो, किसी को नुकसान पहुँचाया हो या रेप किया हो, ऐसी हरकतों की वजह से वो पनिश हो रहे हैं। डिटेक्टिव जिनसू के पास आकर उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसके बाद वो बताता है कि कैसे ये सारा गॉड एक्ट है और पुलिस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब साथ ही डिटेक्टिव को यहाँ पर अपनी बेटी नजर आती है, जिसके बाद जिनसू बताता है कि आपकी बेटी मेरी यहाँ पर एक वॉलंटियर है, और अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। साथ ही वो अपने बचपन की स्टोरी भी बताता है कि कैसे मैं एक ऑर्फन था और बहुत सालों से ऑर्फनेज में रह रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत की ख्वाहिश में गुजारी थी, जिसके बाद वो सिर्फ ये चाहता था कि लोगों को ना पता चले कि उसने अपनी जान दे दी है, और इस मकसद के लिए वो तिब्बत गया था, पर वहाँ पर उसने यही तीन क्रिएचर्स एक आदमी को मारते हुए देखे थे, जिसके बाद वो समझ गया था कि ये सारा गॉड एक्ट है और गॉड की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मकसद में लगा दी कि ये लोगों को बता सके कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से रुक जाना चाहिए। जिनसू डिटेक्टिव को बताता है कि आपकी बेटी ने मुझे बता दिया कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे एक ड्रग एडिक्ट ने आपकी बेबी को मार दिया। क्या ये सही बात नहीं कि 6 साल के बाद ही वो आजाद हो गया, और कैसे आप और आपकी बेटी अभी तक जिंदगी में बहुत उदास है। डिटेक्टिव भी दिल ही दिल में उसकी बात से एग्री कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम पार्क है, वो अपने घर जाती है रात को, तो उसके बच्चे उसकी बर्थडे सरप्राइज के लिए एक केक लेकर आते हैं और साथ ही एक वीडियो बना रहे होते हैं। यहाँ पर अब अचानक से एक प्रिडिक्शन होती है, जहाँ पर एक एंजल आकर पार्क को बताती है कि कैसे 5 दिन बाद ठीक 3 बजे उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन एक आदमी को देखते हैं जो कि एरोहेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, ये भी द न्यू ट्रुथ कल्ट के साथ ही काम करते थे। ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बस गुंडे और बदमाश थे जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन सबके सामने लेकर आते थे। ये ऑनलाइन उस आदमी के बारे में बता रहा था कि कैसे वो सब लोगों को समझा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं, और ये बात एरोहेड के बिल्कुल अगेंस्ट थी, इसलिए ये लोग उस आदमी को पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारते हैं। जिसके बाद ये नॉवेलिस्ट अपने लॉयर मिन के साथ जाता है डिटेक्टिव के पास। मिन डिटेक्टिव को बताती है कि कैसे एरोहेड के लोग अपने बिलीव को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद मिन को कॉल आती है पार्क की, जो बताती है कि कैसे प्रिडिक्शन के टाइम उसके बेटे ने एक वीडियो बना ली थी, जिस वीडियो को जिनसू ने भी देखा था, और इसके बाद जिनसू ने उससे कोलैबोरेट करने के लिए कहा था कि जब 5 दिन के बाद तुम्हारे पास डीमंस आएंगे तो हम उस सारे इंसिडेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। अगर उसने ये सारा इंसिडेंट लाइव स्ट्रीम करने दिया तो जिनसू उसे 3 बिलियन पाउंड देगा, और उसके बाद अगर डीमन उसे मारे या ना मारे उसके पास पैसे तो रहेंगे, और वो इसलिए मिन के पास आई थी कि अगर वो मर जाती है तो वो 3 बिलियन पाउंड उसके बच्चों तक पहुंच सके। मिन को पहले तो ये सारी चीज बिल्कुल ही फेक लग रही थी, जिसके बाद वो एग्री कर लेती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और इसके बाद ये लोग जिनसू से मिलने के लिए जाते हैं। मिन जिनसू से कहती है कि ये चीज डील होनी चाहिए कि इन लोगों की आइडेंटिटी किसी के सामने ना जाए, और जिनसू इस बात से एग्री कर लेता है। जिसके बाद वो पार्क से कहता है कि मुझे बताओ तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से डीमंस तुम्हारे पीछे आ रही है, पर यहाँ पर मिन कहती है कि तुम्हें इस चीज का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। इस सब में मिन डिटेक्टिव को भी इन्वॉल्व कर लेती है। डिटेक्टिव मिन से पूछता है कि तुम इसके बच्चों के साथ क्या करोगी। मिन बताती है कि मैं इन्हें इनके कजन के पास भेज दूंगी। अब डिटेक्टिव का जो फ्रेंड था वो एरोहेड को फॉलो करता था, और इसीलिए उसने पार्क और उसके बच्चों की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर दी थी। जिसके बाद पार्क कॉल करती है मिन को और बताती है कि कैसे सारे लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसके बाद वो इन बच्चों को कैनेडा भेज देते हैं। अब डिटेक्टिव को अपनी बेटी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त के घर स्टे कर रही हूँ, बल्कि इनफैक्ट वो रियलिटी में
जिंसू के साथ थी, वो जिंसू से शेयर करती है कि उसकी वॉल्ट है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई। अब यहाँ पर वो बताती है कि कैसे उस दिन उसे अपने डैड के पास जाना था कुछ डिलीवर करने के लिए, बट वो बहुत लेट हो गई जिसकी वजह से उसकी मॉम को जाना पड़ा, और ऐसे ही रास्ते में एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी मॉम को मार दिया और ये सारा ब्लेम वो खुद पे लेती थी। ये सब सुनने के बाद जिंसू डिटेक्टिव की बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर वही ड्रग एडिक्ट था जिसने उसकी मॉम को मारा था। अब डिटेक्टिव की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उस ड्रग एडिक्ट को बेहोश कर देती है, जिसके बाद जिंसू उसके साथ मिलकर उस दोनों मिलकर उसे जला देते हैं। अब इसके बाद डिटेक्टिव की बेटी को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि उसकी माँ की मौत का बदला ले चुकी है वो। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी, और ये सारी चीज जब न्यूज पर आती है तो डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसकी बीवी को मारा था। अब वो दिन आ गया था जिस दिन पार्क को मारने के लिए डीमंस ने आना था। इस सब चीज को देखने के लिए बहुत सारे VIP लोग भी आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, और जैसे ही वक्त करीब आने लगता है पार्क बहुत परेशान हो जाती है। सबकी नजरें घड़ी पर थी कि जैसे ही वक्त पूरा होगा क्या डीमंस आएंगे कि नहीं। जैसे ही वक्त पूरा होता है तो 3 डीमंस आते हैं और पार्क को मारने लगते हैं। डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है कि पार्क को बचाए, पर यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता। डीमंस उसे जोर से गिराते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पार्क की डेथ के बाद तो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये गॉड विल ही है, और इसके बाद सब इस बात पे यकीन करने लगते हैं। जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी भी घर पर नहीं पहुंची। इसके बाद डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा शहर कितना ही ज्यादा सुनसान है। हर कोई इस चीज से डरकर अपने घर में बंद हो चुका था। जिसके बाद जिंसू के साथ ऑनलाइन एक इंटरव्यू होता है जहाँ पर वो सब लोगों से कहता है कि अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर दो, घरों से बाहर निकलो, बट हमें सारे काम अच्छे करने हैं क्योंकि ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो कि अपनी लाइफ को बुरी तरीके से गुजारते हैं और बुरे काम करते हैं। अब डिटेक्टिव नोट करता है कि जिंसू की इंटरव्यू वीडियो में उसके पीछे उसकी बेटी की जैकेट भी लटकी है, और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंसू के साथ ही होगी। यहाँ पर लैपटॉप पर उसे कुछ फाइल्स रिसीव होती है जहाँ पर वीडियो में वो देखता है कि कैसे उसकी बेटी ने उस ड्रग एडिक्ट पर अटैक किया था। उसे समझ नहीं आती कि जिंसू ने उसे ये वीडियोस क्यों भेजी होंगी। इसके साथ ही एरोहेड का वही मेंबर दोबारा से लाइव आकर बताता है कि कैसे वो सारे लोग भी बुरे हैं जो कि इस सब चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि मिन, क्योंकि उसने उन बच्चों को बाहर भेज दिया, और जिस दिन पार्क के साथ ये सब हो रहा था तो डिटेक्टिव ने भी उन डीमंस को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए ये सारे लोग भी बहुत बुरे हैं। ये सब देखते साथ ही मिन समझ आती है कि एरोहेड के लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो फॉरेन घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि पैकिंग करें, हमें इस जगह को छोड़कर फॉरेन जाना होगा। वहाँ पर मिन को अपने नाम पर एक कुरियर मिलता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली जिंसू ने 14 साल पहले ही ये सब चीजें एक्सपीरियंस की थी। अब ये नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसने भी प्रिडिक्शन ले ली थी। वो ये फोल्डर लेकर जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो देखती है कि वो भी बिल्कुल पूरा खाली था, और एरोहेड के लोगों ने वहाँ पर भी बहुत ही बुरे तरीके से तबाही कर दी थी। अब यहाँ पर उसके कुलीग की कॉल आती है कि एरोहेड के लोगों ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा है, जिसकी वजह से मिन अपनी मॉम के साथ फॉरेन उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी। स्टोरी शिफ्ट हो जाती है 4 साल के बाद की, जहाँ पर लोग तो इस बात पे यकीन करने लगे थे, इवन के डीमंस के बहुत ज्यादा जगहों पर स्टैचूज भी बन गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कैंपिंग वीडियो चल रही थी जो कि ये कल्ट ही चला रहा था। उसमें उन सारे लोगों को बताया जा रहा था कि जो लोग अपनी प्रेडिक्शंस को छुपा रहे हैं ताकि यहाँ पर आकर उनको मारा ना जाए, उन लोगों को सामने आना चाहिए और अपनी स्टोरी खुलकर बतानी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रोडक्शन टीम थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अब एडिटिंग का काम दिया जाता है मिस्टर बे को, जो कि खुद इस काम से बहुत तंग आ चुका था। अभी रिसेंटली उसका एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ था और वो अब तक उससे मिल भी नहीं पाया था। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको इंटेंसिव केयर में रखा गया था। अब यहाँ पर वो दोबारा से एडिटिंग करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, पर वो डेस्क पर नहीं था। बे को वहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस भी था किसी फिशिंग स्पॉट का। साथ ही उसका दोस्त आता है, बे उसे कहता है कि चलो दोबारा से एडिटिंग के लिए, पर उसका दोस्त बहाना करता है कि मुझे मेरी बीवी के पास जाना है तो तुम ये काम अकेले कर लो। उसका दोस्त थोड़ा परेशान लग रहा था। साथ ही उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है, वो बे से कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो बना कर देती हूँ तुम्हारे न्यूबॉर्न बेबी की। जिसके बाद वो इंटेंसिव केयर में जाती है क्योंकि उसके बेबी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। वहाँ पे वो कैमरा ऑन करती है
और साथ ही उसकी बेबी को प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कुछ अरसे बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी। प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली उसके बेबी की डेथ 5 दिन के बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर बे को उसकी फ्रेंड की वाइफ की कॉल आती है जो बताती है कि काफी दिनों से उसका हस्बैंड कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। अब ये सुनने के बाद बे उसी फिशिंग स्पॉट के एड्रेस पे जाता है जहाँ पर उसे नजर आता है कि उसका दोस्त रो रहा था। वो उसको आवाज देता है तो उसका दोस्त भागने लगता है। अब यहाँ पर बे अपने दोस्त को पकड़ता है तो वो रोने लगता है और बताता है कि कैसे उसे भी कुछ अरसे पहले एक प्रेडिक्शन हुई थी। वो ये नहीं चाहता था कि न्यू ट्रूथ कल्ट के लोगों को पता चले कि उसको भी प्रेडिक्शन मिली है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद ये लोग इसकी फैमिली को बहुत तंग करेंगे। इसीलिए इसने इस फर्म को कॉन्टेक्ट किया था ताकि इसके मरने के बाद ये लोग इसकी बॉडी को कहीं छुपा दे और इसकी फैमिली को पता ना चले, और ये लोग तो खुद सारे प्रूफ मिटाकर कोई बहाना बना देंगे। अब साथ ही टाइम अप होता है और डीमंस आकर बे के दोस्त को मार देते हैं। साथ ही सूडो फर्म के लोग आते हैं और यहाँ इसकी बॉडी और सारे प्रूफ को मिटा देते हैं। एक प्रोफेसर आता है और बे से कहता है कि यहाँ पर अब जो कुछ भी हुआ था तुम इस बात को भूल जाना। ये लोग बे को बेहोश करके एक सुनसान सी जगह पर छोड़ आते हैं। बे को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है। बे जब उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रेडिक्शन मिल चुकी है। दूसरी तरफ न्यू ट्रूथ कल्ट के लीडर भी उस सीन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लेक पर बे के फ्रेंड को मारा गया था। वहाँ पर उन्हें सूडोलो फर्म का कार्ड मिलता है। यहाँ पर एक लड़की आकर लीडर को बताती है कि कैसे उन्हें एक और सिनर का पता चल गया है। ये लोग उस सिनर के पास आते हैं ताकि उसकी भी वीडियो बना सके। वो सिनर इनको बताता है कि यहाँ पर मैं भी एक सूडोलो फर्म के साथ काम कर रहा था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी मौत के बाद ये लोग सारे प्रूफ मिटा दे। इसके बाद न्यू ट्रूथ कल्ट के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि इस चीज को डिस्कस किया जा सके। यहाँ पर मीटिंग में कल्ट के लीडर को पता चलता है कि सूडोलो फर्म की ओनर है लॉयर मिन। ये वही लॉयर थी जिसको पहले इन लोगों ने मार दिया था, बट वो मरी नहीं थी, जिंदा है। यहाँ पे कल के लीडर को लगता है कि मिन तो गॉड का मजाक उड़ा रही है, इसलिए इस नई फर्म के सारे लोगों को पकड़ कर लेकर आना है। दूसरी तरफ बे को बहुत परेशानी थी। वो अपने ऑफिस जाता है और उसी प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उस क्राइम सीन के ऊपर उसे सब कुछ भूल जाने को कहा था। यहाँ पर बहुत मुश्किलों से उसे एड्रेस मिलता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने गुनाह किया था, तो उसके न्यू बॉर्न बेबी को कैसे प्रेडिक्शन मिल गई। यहाँ पर प्रोफेसर बे को बताता है कि ये बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ सिनर्जी को प्रेडिक्शन नहीं मिलती। बे यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जिसके बाद ये लोग मिलते हैं लॉयर मिन से। मिन उसे बताती है कि कैसे ये सारा काम जिनसू ने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, पर 4 साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी थी। सब लोगों को लगता है कि सिर्फ सिनर्स के साथ ही ये होता है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये सब कुछ गलत है उन्हें बहुत ही अच्छे प्रूफ की जरूरत है। मिन यहाँ पर बे से कहती है कि अगर वो अलाउ करे तो ये लोग उसके बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके ताकि सारे लोगों का डाउट क्लियर हो, क्योंकि ये सिर्फ सिनर्स के साथ नहीं हो रहा। अब ये बात सुनकर तो बे बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और इन सब लोगों पे चिल्लाने लगता है। मिन यहाँ पर बे को थोड़ी तसल्ली देती है और बताती है कि कैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ किया नहीं जाएगा। साथ वो ये भी बताती है कि कैसे 4 साल पहले पार्क की लाइव ब्रॉडकास्ट को वो रोक नहीं पाई और हर एक को यकीन हो गया कि ये सारा काम गॉड का ही है, और अब इसलिए वो मिन खुद को ही ब्लेम करती है। प्रोफेसर साथ बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी थी। ये दोनों बीच पर जा रहे थे जहाँ पर रास्ते में उसकी बेटी को प्रेडिक्शन हुई कि वो 30 सेकंड्स के बाद मर जाएगी। उसे अपनी बेटी की चेहरा अभी भी याद है कि वो उसे शायद कुछ बताना चाहती थी, पर इससे पहले उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ सूडोलो फर्म के एक आदमी को न्यू ट्रूथ कल्ट के लोग उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। एंड पर आकर वो प्रोफेसर का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद एरोहेड के लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर एक अलग जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर उसकी लोकेशन खोली जाती है ताकि पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ गया था। इसके बाद यहाँ का लीडर एरोहेड कहता है कि इसको मार दो, जिसके बाद प्रोफेसर को मार दिया जाता है। नेक्स्ट एरोहेड का टारगेट था मिन, पर मिन उनसे पहले ही वहाँ से चली गई थी और वो सारा कुछ वहाँ से इरेज करके निकली थी। इसके बाद बे अपनी बीवी को बताता है कि कैसे वो कुछ लोगों से मिला था और अब वो उसकी बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सिर्फ सिनर्स के साथ ये नहीं होता।
यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोती है। बे अपनी वाइफ को समझाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो इसको एक एक्सीडेंट की तरह दिखा देंगे। अब नेक्स्ट डे बे देखता है कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि न्यू ट्रूथ कल्ट के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है। साथ ही टीवी पर इस फर्म के बारे में भी बता दिया जाता है। अब ऐसे ही बे कॉल करता है मिन को और बताता है कि कैसे प्रोफेसर को मार दिया गया है। मिन बे से कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रहे। जब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ अपने बेबी को लेकर न्यू ट्रूथ कल्ट के लोगों के पास जा रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बे की वाइफ जब वहाँ के लीडर के पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर उसकी बेबी की प्रेडिक्शन हुई थी, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि इन्हें हर केस के बारे में नहीं पता चलता। जिसके बाद वो वीडियो लेकर बाकी सारी टीम के पास आता है। वहाँ पर डिस्कशन होती है कि अगर ये वीडियो वायरल होगी तो लोगों को उन पर यकीन नहीं रहेगा कि कैसे एक बेबी के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद वो बेबी को बे की वाइफ से अलग करने की कोशिश करते हैं। न्यू ट्रूथ कल्ट की बिल्डिंग में बहुत सारे रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसकी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए बे और मिन अंदर जाते हैं और बे की वाइफ और बेबी को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिन इन्हें एक घर पे लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी होता है जिसको 3 साल पहले प्रेडिक्शन मिल चुकी थी। यहाँ पर मिन बे से कहती है कि इनको अब कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। अगर ये लोग वीडियो सब लोगों को दिखा देते हैं तो लोगों को कई हद तक इन पर यकीन आ जाएगा, पर इस काम के लिए उन्हें वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो आदमी जिनके घर ये लोग गए थे इन्हें बताता है कि कैसे वो पहले बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन काम किया करता था और अगर उसने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड की तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। मिन बे को बताती है कि डेमोंस्ट्रेशन के लिए इनके पास कोई अच्छी जगह नहीं, इसलिए इनको यहीं पर कहीं पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी चीज पता चलती है कि जिस इंसान के घर ये लोग आकर रह रहे थे ये वही था जो पहले एरोहेड्स के लिए यहाँ पर लाइव वीडियोस किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये आदमी घर से बाहर जाता है और कल्ट वालों को फोन करके बताता है कि कैसे वो छोटा बेबी इनके घर ही है। अब वहाँ पर लीडर इसको बहुत ही मजे से माइंड गेम के साथ कंफ्यूज करता है और बताता है कि कैसे गॉड ने ये सब कुछ प्लान इसीलिए किया, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी की भी डेमोंस्ट्रेशन बेबी की 5 मिनट के बाद की थी। इसलिए वो उसे कहता है कि जैसे ही बेबी की डेथ हो जाए हर चीज को मिटा देना ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंच सके कि एक बेबी को भी इस तरह से प्रेडिक्शन आई है, वरना कोई भी न्यू ट्रूथ लोगों पर यकीन नहीं करेगा। इस बात को सुनते साथ ही वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद वो बिल्कुल ही पागलों वाली हालत में पहुंच जाता है अपने घर। वहाँ पर वो बे से मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वो बे पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर जाता है ताकि बे की वाइफ और बेबी को भी मार सके। यहाँ पर अचानक से मिन उस आदमी पर हमला करती है और बेबी को बचा लेती है। अब टाइम ऊपर हो चुका था और यहाँ पर आ जाते हैं वो डीमंस बेबी को मारने के लिए। मिन उन डीमंस से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। अब बे को भी होश आ जाता है और वो अपने बेबी को बचाने के लिए खुद को और अपनी वाइफ के बीच में बेबी को बचा कर बांध लेते हैं। इसके बाद डीमंस जैसे ही उन पर हमला करते हैं बे और उसकी वाइफ जल जाते हैं और बेबी बच जाता है। इसके बाद मिन बेबी को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। वही आदमी इनके पास दोबारा आता है मारने के लिए, पर डीमंस अब उस पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। सब लोग जमा हो चुके थे और देखते हैं कि कैसे बेबी बच चुका है। इतने में यहाँ पर न्यू ट्रूथ कल्ट के लोग भी पहुँच जाते हैं। वहाँ का लीडर जब यहाँ पर आकर सब कुछ देखता है तो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। यहाँ पर वो लीडर एक आदमी को मारता है, जिसके बाद पुलिस उस लीडर को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बेबी के साथ एक टैक्सी में बैठ चुकी है। टैक्सी ड्राइवर यहाँ मिन से कहता है कि इंसानों की दुनिया बहुत अजीब है, इन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए। हो सकता है कि ये टैक्सी ड्राइवर वही डिटेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पार्क की खुद बॉडी जिंदा हो गई है। हो सकता है कि बेबी के बचने के बाद वो सारे लोग जो इस वजह से मरे थे दोबारा जिंदा हो जाएं। अब ये सारी बात तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी। ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।